राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम नेशनल टीवी चैनल कात्यानी पर आप राष्ट्रवासियों का स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे राष्ट्र के उन मुद्दों पर जिस मुद्दे से राष्ट्रवासी प्रभावित होते हैं। बातें बहुत छोटी होती है लेकिन उस बात का बहुत बड़ा परिणाम होता है जिससे राष्ट्र का और राष्ट्रवासी दोनों का कल्याण होता है। बातें जब उठती है तो बहुत दूर तक जाती है और जब बातें दूर तक जाती है तो आम लोगों को न्याय मिलता है। हम आपको बताएं कि राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हमने इसी सप्ते प्रदूषण का मुद्दा उठाया था और आपके सामने राष्ट्र के सामने व्यवस्था के सामने इस बात को लेकर आए थे कि किस प्रकार से WHO के जो निर्देश है जो मापदंड है उससे भी अधिक के प्रदूषण भारत के विभिन्न प्रदेशों में पाया जा रहा है। 84% आबादी वायु प्रदूषण से प्रभावित हो रहे हैं। हमने चर्चा किया था और यह बहुत ही खुशी की बात है कि इस संदर्भ में भारत की राजधानी महानगर दिल्ली में त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी ने एक कदम उठाया है जिसकी तारीफ की जानी चाहिए। जो व्यक्ति जो संस्था प्रदूषण मानकों का उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ कानूनी प्रावधान के तहत कार्रवाई की जाएगी। 10,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये तक का उन्हें जुर्माना भी किया जाएगा। इसमें कई प्रकार की बातें कही गई है जो साउंड प्रदूषण पे किस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी, ध्वनि प्रदूषण पर किस प्रकार से कार्रवाई होगी, वायु प्रदूषण पर किस प्रकार से कार्रवाई होगी और उसके लिए क्या मापदंड अपनाए गए हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में जब हम पिछले एपिसोड में चर्चा कर रहे थे वायु प्रदूषण के संदर्भ में तो हम काफी चिंतित भाव से आपके सामने यह सवाल लेकर आए थे। लेकिन जिस प्रकार से राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम के बाद दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी ने त्वरित कार्रवाई की है उससे यह एक विश्वास मन में जगह है कि हमारी एजेंसियां हमारी जो संबंधित विभाग है वह बातों को गंभीरता से लेती है और उस पर त्वरित कार्रवाई करती है। प्रत्येक नागरिक का यह जिम्मेवारी बनता है कि वे संबंधित विभाग को सहयोग करें और किसी भी प्रकार का प्रदूषण उनके अगल बगल में ना फैले इसके दिशा में वे भी प्रयास करें ताकि विभाग को भी मदद मिले और क्षेत्रवासी को स्थानीय निवासी को भी राहत महसूस हो। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम इसी प्रकार के मसले जो आम भारतवासियों से जुड़ी हुई है उसे लेकर आने का
प्रयास करते हैं। बिजली, पानी, सड़क, यातायात, अतिक्रमण, अवैध निर्माण का मसला हो, हम आपके सामने उसे लेकर आते हैं और आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट तो करते ही हैं, हम उस संबंधित एजेंसी को भी आगाह करते हैं, उनका भी ध्यान आकृष्ट करते हैं कि भारतीय संविधान के तहत प्रत्येक भारतवासी को जो अधिकार मिला है उसके अधिकार का किसी भी स्तर पर हनन न किया जाए और प्रत्येक भारतवासी का जो कर्तव्य है आप उन्हें इसके लिए प्रेरित करें, जो वे राष्ट्र को सर्वप्रथम बनाने के लिए अपने कर्तव्य का भी निर्वहन करें, आपको सहयोग करें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में वायु प्रदूषण पर हमने चर्चा की है, जो किस प्रकार से जनरेटर सेट के आकार और उससे निकलने वाले प्रदूषण के अनुसार DPCC जुर्माना करेगी, जो राशि 10,000 से लेकर 1,00,000 रुपये तक होगा। उसी प्रकार रात में 10 बजे के बाद जो निर्धारित समय रखा गया है साउंड प्रदूषण का, DJ या अन्य लाउडस्पीकर या अन्य माध्यम जिससे साउंड उत्पन्न होता है, अगर वो निर्धारित अवधि के बाद अगर चलाया जा रहा है तो उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होगी और उनको जुर्माना भी देना होगा, जो 10,000 रुपये तक अभी निर्धारित किया गया है। अगर DPCC के अधिकारी या संबंधित अधिकारी को प्रतीत होगा जो यह गलत तरीके से साउंड प्रदूषण कर रहे हैं तो उनके सामान भी जब्त स्थानीय थाना द्वारा किया जाएगा। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हमने वायु प्रदूषण और प्रदूषण के संदर्भ में जो बातें उठाई थी उन बातों पर विभाग द्वारा जो कदम उठाया गया है, इसके लिए विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारी को राष्ट्र सर्वप्रथम टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको यह बताएं कि रेट्रोफिटिंग लगवाना जनरेटर वालों को आवश्यक है और यह 5 जगह इसकी प्रयोगशालाएं हैं, पुणे, मानेसर, देहरादून, फरीदाबाद, अहमदनगर, और उन्हें वहां जाकर यह रेट्रोफिटिंग लगवाना होगा ताकि जनरेटर से निकलने वाले प्रदूषण को 70% तक कम किया जा सके। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको यह बताएं कि कल हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार से गर्मी के कारण लोगों का जीवन बेहाल हो उठा है, तपती गर्मी के कारण लोगों का जीवन दुर्भर हो रहा है और पारा बढ़ता जा रहा है, जो 43 डिग्री से ऊपर जुलाई के महीने में पहुंच गया, और विभाग के द्वारा, मौसम विभाग के द्वारा जिस प्रकार से सभी नेशनल TV चैनल पर यह बताया जा रहा था कि 7 दिनों तक इसी प्रकार की स्थिति बनी रहेगी, गर्मी से सभी को रूबरू होना पड़ेगा और यह गर्मी सभी को परेशान करेगी। लेकिन कहा जाता है
जो ईश्वर की अपनी ही विधि और विधान होती है, प्रकृति का एक अपना ही अंदाज होता है, उसने विज्ञान को फेल करते हुए कल शाम को भारत की राजधानी दिल्ली को भिगो दिया। तपती गर्मी से न सिर्फ दिल्ली वासी को राहत प्रदान किया, बल्कि प्रकृति ने विज्ञान को चुनौती देने का भी काम किया कि विज्ञान चाहे कितना भी तरक्की क्यों ना कर ले, वह प्रकृति पर अपना नियंत्रण नहीं कर सकता। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, बहुत छोटा सा ब्रेक, आप कहीं जाए नहीं, लौट कर आते हैं। देखिए 8 बजे रात्रि, 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। छब्बीसवें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश, आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ है कार्यक्रम में। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे प्रदूषण के संदर्भ में और DPCC किस प्रकार से प्रदूषण को लेकर सक्रिय हो उठा है, हम उसकी चर्चा कर रहे थे। प्रदूषण के क्रम में ही हम बात कर लें राजनीतिक प्रदूषण को लेकर, जो किस प्रकार से सत्ता का खेल बदता और बिगड़ता रहता है। एक मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं लेकिन संवैधानिक संकट के कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है और फिर उनकी जगह दूसरे व्यक्ति को चुना जाता है, और उस दरमियान जो राजनीतिक उठा पटक होती है, तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, तरह तरह के लोगों के चर्चाएं सामने आती है, यह सब क्षेत्र में एक प्रकार से राजनीतिक के प्रदूषण फैलाने का ही काम करता है। जिन लोगों का नाम उछलता है और जब उन्हें मौका नहीं मिलता तो उनके मन में भी एक भावना उत्पन्न होती है। कई लोग विचारवान होते हैं, आत्ममंथन करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं और पद नहीं मिलने पर फिर से अपने कर्तव्य के निर्वाण में लग जाते, लेकिन कई लोग उस वक्त उठे मुद्दे को लेकर अपने दिल में कई प्रकार की बातें बैठा लेते और जो व्यक्ति चुना जाता है उसके लिए वे मन में अच्छा विचार नहीं रखते, जिस कारण उनके मन में प्रदूषण फैल जाता है। इसी को राजनीतिक प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण कई प्रकार का है, उसी प्रकारों में एक प्रकार है राजनीतिक प्रदूषण। तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद यह चर्चा जोरों पर होने लगी थी, जो अब उत्तराखंड की बागडोर किसे सौंपा जाएगा, इसे लेकर कई लोगों के नामों की चर्चाएं भी होने लगी थी और नेशनल टीवी स्क्रीन पर कई के नाम चलने लगे थे, लेकिन अंतोगत्वा खटीमा विधानसभा क्षेत्र से विजयी पुष्कर धामी को अगली मुख्यमंत्री के रूप में चुन लिया गया है और वे कल शाम 5 बजे शपथ लेंगे। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में। हम आपको बताएं कि राजनीतिक क्षेत्र में कई बार ऐसा देखने
में आया है कि जिनके नामों की चर्चा जोर शोर से होती है उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया जाता, और जिसके नाम पर कोई चर्चा नहीं होती वैसे लोगों को सामने लाया जाता है। उसी प्रकार से उत्तराखंड में भी धामी को लाया गया है, जिनके नामों पर कहीं भी चर्चा नहीं हुई, सिर्फ विधानमंडल में चर्चा के बाद उन्हें सर्वसम्मति से उत्तराखंड का भावी मुख्यमंत्री मान लिया गया और कल शाम वो शपथ लेंगे। राष्ट्र प्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको बताएं कि आज कल एक बड़ा ही गंभीर अपराध हो रहा है जिस पर गंभीरता से कार्रवाई करने की जरूरत है। आजकल हनी ट्रैप के माध्यम से भोले भाले लोगों को फंसाने का खेल हो रहा है, उनसे उगाही की जाती है, उन्हें डराया जाता है, धमकाया जाता है और उनसे मोटी रकम की उगाही की जाती है। कई लोग अपनी प्रतिष्ठा के कारण, समाज में बदनामी के कारण उस गिरोह के शिकार होने के बाद भी चुप बैठ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इसका विरोध जब करते तो हनी ट्रैप करने वाले गैंग के सदस्य कानून के शिकंजे में पहुंचते हैं। इसीलिए आप सबसे पहले कभी भी कोई ऐसी हरकत करे ही ना जो आपके चरित्र पर, आपके भविष्य पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने का काम करे, और अगर आपने अनजाने में भूलवश अगर कोई ऐसी गलती कर ली है तो आप अपने माता पिता से, अपने परिवार से उसे ना छुपाएं, आप कानून का सहारा लें और ऐसे असामाजिक तत्व जो हनी ट्रैप के माध्यम से लोगों को, भोले भाले बच्चों को फंसाने का काम करते हैं, उन्हें कानून के शिकंजे में लाने में अपना योगदान दें। राष्ट्र प्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको बताएं कि भारत की राजधानी दिल्ली में निर्भया कांड के बाद जो एक सशक्त कानून महिलाओं के कल्याण के लिए आया था उसका दुरुपयोग करते हुए कुछ भू माफिया संगठन द्वारा गैर कानूनी कार्रवाई कर काला धन एकत्र करने वाले संगठित अपराध कर्मियों द्वारा महिलाओं का दुरुपयोग किया जाने लगा है। अधिकारियों को फंसाने के लिए महिलाओं का उपयोग किया जाने लगा है, मीडिया की आवाज को दबाने के लिए महिलाओं के संगठन का उपयोग किया जाने लगा है, एडवोकेट की आवाज को दबाने के लिए उसके मकान पर जबरन दबाव बनाकर लेने के लिए कई प्रकार के हथकंडे संगठित माफिया गिरोह द्वारा महिलाओं को आगे करके किया जाता रहा है। और इस मामले में दिल्ली पुलिस के अंतर्गत वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस में कई मामले हुए हैं जहां इस संगठित माफिया गिरोह द्वारा महिलाओं को आगे कर सफेद चरित्र वाले लोगों को, संगठनों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, एडवोकेट को, अधिकारी को, मीडिया कर्मी को झूठे मामले में फंसाने का काम किया गया। दिल्ली के नवनियुक्त
पुलिस आयुक्त बालाजी श्रीवास्तव द्वारा जो एक सकारात्मक कदम उठाया गया है, उस कदम का चारों ओर तारीफ होने लगी है। उन्होंने सभी जिला से यह कहा है कि वे अपने अपने डिवीजन में जन सुनवाई की कार्रवाई प्रारंभ कराएं, और इसी क्रम में आज 3 तारीख को 3 बजे से लेकर 6 बजे तक कई डिवीजनल कार्यालय में, कई थाने के अंदर जन सुनवाई हो रही है और एसीपी जनता की समस्या से रूबरू हो रहे हैं। यह एक बहुत बड़ा कदम है और यह कदम अगर सुचारू रूप से चलता रहा तो अपराध नियंत्रण की दिशा में दिल्ली पुलिस को एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त होगी। अपराध नियंत्रण की दिशा में यूं तो कई बार प्रयास किए गए हैं, इसके लिए जिला कमेटी का गठन, थाने के अंदर एलजी कमेटी का गठन तक किया गया, लेकिन समय समय पर वह बंद होता रहा, सुचारू रूप से नहीं चलने के कारण बातें पुलिस मुख्यालय तक नहीं पहुंच पाई और आम लोगों को जो त्वरित न्याय मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पाया। बालाजी श्रीवास्तव द्वारा उठाए गए इस सकारात्मक कदम का नतीजा जल्द ही सामने आएगा, क्योंकि जन सुनवाई में जब आम लोग अपनी बात लेकर एसीपी के पास जाएंगे तो उनके डिवीजन के अधीन आने वाले थाने में क्या चल रहा है, ग्रास रूट पर इस बात से एसीपी अवगत हो पाएंगे और अपराध नियंत्रण की दिशा में यह एक बड़ा ही सकारात्मक प्रयास होगा। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको बताएं कि पुलिस कर्मी रात दिन मेहनत करते हैं। अगर यह सर्वे किया जाए तो किसी भी विभाग से अधिक जनता की सेवा पुलिस करती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जनता और पुलिस की भेंट 24 घंटे में 24 घंटे होती है। अगर यह कहा जाए जो जनता और पुलिस, पुलिस और पब्लिक एक ही सिक्के के दो पहलू हैं तो गलत नहीं होगा, लेकिन इसे खोजने की जरूरत है, उसे समझने की जरूरत है। आखिर जो पुलिस पब्लिक के लिए है और पब्लिक उस पर भरोसा नहीं कर पा रही है तो क्यों नहीं कर पा रही है। हमने अपने पत्रकारिता जीवन के 3 दशक से अधिक समय में जो अनुभव किया है, इसका सबसे प्रमुख कारण यह है जहां उसे सही कदम उठाने की जरूरत है। संगठित अपराध पर नियंत्रण पाने में पुलिस नाकाम हो जाती है। अब वो क्यों होती है, काहे होती है, किस कारण से होती है, यह एक अलग विषय है। इस पर जब वरिष्ठ पुलिस अधिकारी चिंतन और मनन करेंगे तो उनके सामने में यह बात स्वतः सामने आ जाएगा। और यह जो जन सुनवाई की कार्रवाई पुलिस आयुक्त बालाजी श्रीवास्तव द्वारा किया गया है, इससे ही बड़े ही सकारात्मक नतीजे निकल कर आने वाले समय में सामने आएगा, क्योंकि संगठित अपराध को संरक्षित करने में सबसे अधिक भूमिका उस थाने क्षेत्र के बीट में तैनात
कर्मियों के हाथ में होता है। बीट में तैनात पुलिस कर्मी अपने डिवीजन के अधिकारी को गलत ढंग से बात पहुंचाते हैं, अच्छे लोगों के बारे में नहीं बताया जाता है और संगठित अपराध कर्मी के संदर्भ में जाकर अच्छी बातें बताई जाती है, जो इस व्यक्ति का यह प्रभाव है, यह रसूख है, क्योंकि उसके पीछे उस बीट कर्मी का अपना स्वार्थ होता है, जिसका परिणाम यह होता है कि आम लोग जो स्थानीय होते हैं वह पीड़ित होते हैं, परेशान होते हैं और उन्हें पुलिस के ऊपर जो भरोसा करनी चाहिए, पुलिस के कार्यों की जो तारीफ होनी चाहिए वे नहीं कर पाते हैं। राष्ट्र प्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको यह भी बता दें, जो पब्लिक और पुलिस के बीच संबंध खराब करने में कुछ उन पुलिस कर्मियों का, अधिकारियों का भी हाथ है, जो इस संगठित माफिया गिरोह को बचाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। इस थाना क्षेत्र में नहीं रहने के बाद भी उस थाना क्षेत्र के अधिकारी और कर्मचारी को अपने रसूख के बल पर प्रभावित करते हैं और संगठित अपराध कर्मी को बचाने का काम करते हैं और उस संगठित अपराध कर्मी के माध्यम से वे गैर कानूनी काम में परोक्ष रूप से हिस्सेदार होते, जिस कारण से आम लोगों का पुलिस पर जो भरोसा होनी चाहिए वो भरोसा नहीं बन पाती है, क्योंकि उस संगठित अपराध कर्मी द्वारा आम पब्लिक को तरह तरह से परेशान किया जाता है, तरह तरह से उत्पीड़न किया जाता है और जब वह अपनी फरियाद को लेकर थाने तक जाता है तो वहां से मामला उसी डिवीजन में, उसी बीट में भेज दिया जाता है, जिस बीट का कर्मचारी उस संगठित माफिया गिरोहों के इशारे पर काम करती है। राष्ट्र प्रथम की बात ललित सुमन के साथ हम आपसे फिर आगे चर्चा करेंगे, जो किस प्रकार से पब्लिक और पुलिस के साथ साथ भारतीय मीडिया एक ऐसा कार्यक्रम चलाए जिससे राष्ट्र को सर्वप्रथम बनाने की दिशा में प्रयास किया जाए और पुलिस कर्मियों द्वारा रात दिन जो अच्छे काम किए जा रहे हैं उससे आम लोगों को अवगत कराया जाए, आम लोगों को बताया जाए कि किस प्रकार रात दिन अपने परिवार को छोड़कर, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर पुलिस कर्मी आपकी रक्षा और सुरक्षा के लिए काम करती है। राष्ट्र प्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज आपसे विदा लेंगे। आप अन्य खबरों के लिए बने रहें नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। पुष्कर सिंह धामी होंगे उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री। 4 महीनों में तीसरी बार हुआ मुख्यमंत्री पद में परिवर्तन। उत्तर प्रदेश के धर्मांतरण मामले में ईडी ने मारे छापे, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हुआ दर्ज। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को ईडी का समन, मंत्री के खिलाफ चल रही है जांच। पंजाब में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के घर के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पुलिस ने की पानी की बौछार। त्रिपुरा में पुलिस ने पकड़ी 500 किलो गांजे की खेप, ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। जापान में भूस्खलन से मची तबाही, कई मकान बहे, 19 लोग लापता। भारत बायोटेक ने जारी किए फेज 3 ट्रायल के नतीजे, कोवैक्सीन पाई गई 70% कारगर। सेना प्रमुख जनरल नरवणे करेंगे 5 जुलाई से इटली का दौरा, इंडियन आर्मी मेमोरियल का करेंगे उद्घाटन।
प्रख्यात अभिनेता दिलीप कुमार आईसीयू में, पत्नी सायरा बानो ने कहा हालत अभी स्थिर। भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह का जन्मदिन, टेस्ट हैट्रिक लेने वाले भारत के पहले गेंदबाज। दिल्ली में बारिश से गिरा तापमान, उमसते रहे लोग परेशान। राष्ट्र सर्वप्रथम